शंकर भगवान के गले में दो तरह की माला का दर्शन होता है, एक कपाल की माला, आपने देखा होगा जैसे खुपड़िया होती है, व्यक्ति जब मर जाता है उसकी कंकाल जो होता है वो कंकाल की माला शिव जी के गले में पड़ी होती है, और एक शिव जी के गले में जो माला होती है उसमें मूछें बनी होती है। आप लोगों ने राजा महाकाल के मंदिर में, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में आप लोगों ने इस माला का दर्शन करा होगा कि चांदी की मुंड की माला उसमें मूछ बनी हुई है, और एक मुंड की माला होती है जिसमें केवल कंकाल होता है, चेहरा कंकाल। दो तरह की माला होती है, जो कंकाल की माला होती है वो माला, और जो मूछ वाली माला होती है मुंड की माला, इन दोनों में क्या अंतर है? जो कंकाल की माला भगवान शंकर के गले में अपन दर्शन करते हैं, ये कंकाल किसी और के नहीं, भगवान शंकर के जो मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ में पहले हुए हैं, पार्वती जी के जो 50 बार भगवान शंकर के साथ में, 51 बार भगवान शिव के साथ में माता पार्वती के विवाह हुए हैं, पार्वती का जन्म 51 बार पहले हो चुका है, कभी कात्यायनी, कभी कुष्मांडा, कभी चंद्रघंटा, कभी स्कंदा, कभी सती, कभी उमा, ऐसे माता पार्वती के ना जाने कितने अवतार हो चुके हैं। जितनी बार माता पार्वती जन्म लेती थी उतनी बार प्राण माता पार्वती के छूटते थे, हर बार माता पार्वती अमर कथा सुनने के लिए जाती थी पर कथा नहीं सुन पाती थी। ये माता पार्वती का जो ये अवतार है, पार्वती अवतार, ये तो 52 नंबर का है, 52वें नंबर का। इससे पहले 51 तो चले गए, कथा लोग सुनते हैं ना तो कथा पर तो ध्यान कम रहता है, पर भगवान ने क्या करा उस पर ध्यान जाता। अब कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाए, भगवान ने 50 ब्याह करे, 51। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी घबरा के एक गुरुजी के पास गई और वो गुरुजी से जाकर खूब रोई, गुरुदेव मेरा पति जब भी झगड़ा करता है एक ही बात कहता है, तुम मेरे से सीधे रिया कर, भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से ब्याह करा था, दूसरा कर लो। गुरुदेव बड़ी तकलीफ में हूं, हमने भी कह दिया काय की चिंता करना, अब की बार वो धमकी दे तो तू मत चूकना, तू भी कह देना द्रौपदी के 5 थे, तू काय को टेंशन लेती। और उसने जो कहा, तू मेरे से सही से रिया कर, जरा बता दे रही हूं, पहले मैं तेरे को बता रहा हूं, भगवान कृष्ण ने 16,108 रानी से शादी करी थी, मैं दूसरी कर लाऊंगा, इतने में आ गई धंधा नाती, शिव पुराण सुन के आई थी, धमकी तो देना ही मती, द्रौपदी के भी 5 थे। उस दिन से पति बोला ही नहीं बापड़ा, एक शब्द उसके बाद नहीं बोला। फिर तो उसने आरती गई नवरात्रा में, अंबे दुहे जगदम्बिका का कहीं नहीं आया, बोले तो बोले क्या, अरे भाई अब गुण मत देखो, थोड़ा गुण देखने का प्रयास करिए। थोड़ा अच्छा ढूंढने का प्रयास करिए। पर जिसकी चित्त वृत्ति में अच्छा भरा ही नहीं होगा तो अच्छा ढूंढेगा कैसे? कलकत्ता में कहा था, जैसा चश्मा लगाओगे वैसा दिखेगा, पापी को पापी, कपटी को कपटी, बेईमान को बेईमान, ईमानदार को ईमानदार, धर्मात्मा को धर्मात्मा, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा दिखता है, साहूकार को साहूकार, सत्कर्मी को सत्कर्मी दिखता है, ढोंगी को ढोंगी, प्रपंची को प्रपंची दिखता है, ईमानदार को ईमानदार दिखता है। आपकी दृष्टि जैसी होगी सामने वाला वैसा दिखेगा। आप अच्छा ढूंढोगे अच्छा मिलेगा।
दुनिया कितना भी अपशब्द कहे, दुनिया कितना भी ताना दे, कितनी भी गाली दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, आपके लिए चाहे हमारे लिए, दुनिया का कोई संसार में ऐसा मानव नहीं जन्मा जिसके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई हो। चाहे मेरे राजा रामचंद्र क्यों ना हो, उन पर भी उंगली उठा दी थी कि सीता को लेकर आ। भगवान कृष्ण थे, उन पर भी उंगली उठा दी कि तुमने चोरी करी है, रतन चुरा लिया, सत्यजीत ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। जब दुनिया के लोग परमात्मा को नहीं छोड़े तो जी जी अरियो रायसेन वाली, कोई तुम्हें और हमें छोड़ेगा? ना जाने कितने कौवे तैयार बैठे होंगे कि बस पाड़ा मरे और हम के छीछड़े निकाले। ना जाने कितने इंतजार में बैठे होंगे कि महाराज कोई ना कोई गलती कर दे और हम छीछड़े निकलना चाहते हैं। ऐसे ना जाने कितने कौवे बैठे हैं इंतजार। और केवल ये महाराज के लिए नहीं, मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, मानव का शरीर जिसको मिला है, चाहे वो भगवान राम हो चाहे वो भगवान कृष्ण हो, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुनिया के लोग अपशब्द कहे बिना नहीं रहेंगे। बस अपने को क्या करना है, शिव पुराण का एक बात याद रखना है, क्या किसको रोई है चादर तान के सोई है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, चकाचक कोई कितनी गाली दे, तुम जोरदार श्रृंगार करके धागा से दो चार बार और बन भैया के गई ना, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा कोई कितना भी अपशब्द के, तुम ऐसी मुंडी करके ऊपर ककड़िया धर के बैठ जाए दो घंटा बोले नहीं ना। कोई कितना भी अपशब्द के, तुम तो अपनी मस्ती में मस्त होके बढ़िया जोरदार फेटा मीठा बांध के, जिससे अपनी नी पटे नी ऊकी दरवाजे से निकल के जोरदार जाओ राम राम जी, चलो कहीं चलो, और नुक्ता है बेई जी क्या नुक्ती झड़ेंगे, चलो तुम तो ऐसी खुश रहो जी, क्या रखा है छोटी सी जिंदगी में मनुष्य पर चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा, और नुक्ती से वो रायता बन जाएगा, कब किसी को पता नहीं है, पक्का है परमानेंट है कि मरने पर रायता बनेगा ही और नुक्ती का ही बनेगा, क्योंकि अलग से नुक्ती बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो मीठी बनती है उसमें से नमकीन निकाल के रायते में डाल देते, एक में दो काम हो जाते। तो मुस्कुराओ मत ही, चाहे हम हो तक तुम्हारा रायता तो सबका बना, और एक आध दो ना तो ढुलकना है, तो उसमें क्या सोच। बस इतना याद रखिए, एक हमारे भोले बाबा दूजी गौरा रानी सरकार हमारे दो ही इसके सिवा कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई कुटुंब नहीं, कोई कबीला नहीं, कहे कहने वाला अब शब्द कहने वाला कहेगा, ताने देने वाला देगा, और कौवा निगाह रखेगा, रखने दो आप अपनी मस्ती में डूबना। ना तो आपको सियोर वाले महाराज से मतलब होना चाहिए, ना सियोर वाले महाराज को आपसे मतलब होना चाहिए, और केवल सियोर वाले महाराज से मतलब नहीं, संसार के किसी महाराज से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो देव अधिदेव महादेव से, राम और कृष्ण से मतलब होना चाहिए, भगवान से मतलब रखना। ये मनुष्य शरीर, इंसान का शरीर, मानव का शरीर है, इंसान के शरीर से गलती हो सकती है पर परमात्मा से गलती नहीं हो सकती, उसने अगर तुम्हारा निर्माण करा है कुछ सोच समझ कर करा होगा, उसको भजो महाराज को नहीं, भगवान को भजो इंसान को नहीं। कहा ये तुम शिवजी की जटा में कैसे पहुंच गए, भगवान शंकर की जटा में राहु से सिंही देवी पूछ रही है, उनकी धर्मपत्नी पूछ रही है तुम पहुंचे कैसे। दो तरह के मुंड दिखेंगे, कंकाल ये पार्वती जी के जो स्वरूप हुए थे उनका शीश है, शिवजी ने अपने पास रखा है, दूसरा जो मूछ वाला है
मुंड की माला नजर आती है। ये कोई दूसरा नहीं, ये राहु था। चंद्र ऊपर, राहु अंदर। चंद्र को डर लग रहा था, सिर पे पसीना आ रहा था, राहु को देखकर कांप रहा था कि भगवान शंकर ने ये क्या करा, मुझको भी शीश पर रख लिया और राहु को भी शीश पर रख लिया। तो चंद्र को पसीना आ रहा था, पसीना नीचे टपक रहा था। चंद्र अमृत पी चुके थे, अमृत पिए हुए चंद्र का पसीना जब राहु को मिल रहा था तो राहु के मुख से जो राल टपक रही थी उससे उसके और मुखों का निर्माण होता चला जा रहा था, जो शंकर जी के गले में मुंड बनकर रखा रहा था। शिव के गले में जो मुंड रखे हैं वो राहु के शीश है। अमृत पियोगे तो अमृत दोगे, विष पियोगे तो विष दोगे, अच्छा पियोगे अच्छा ही दोगे। एक राजा ने एक महल बनाया, नगर के सेठ जी को बुलाया, पूछा महल कैसा बनाया, बहुत जोरदार पर इसमें एक कमी है। क्या? दरवाजा छोटा रख दिया। राजा ने पूछा इससे क्या होगा, सेठ जी बोले जब तुम मरोगे तो तुम्हारी अर्थी कैसे निकलेगी। राजा को आ गया गुस्सा, उसने दूतों को बुलाया कि इसको बंद करो, हमारे नए मकान का मुहूर्त और मेरी अर्थी निकाल रहा है, बंद करो इसको। उसको बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आ गई। पत्नी आकर बोली, महाराज मेरा पति आया था। राजा ने कहा तुम्हारे पति को बोलने के लक्षण नहीं है क्या, महल अच्छा बनाया दरवाजा छोटा रख दिया, जब राजा तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी। इतने में पत्नी बोली मेरे पति को तो बोलने की यही नहीं मालूम कि क्या बोलना चाहिए, उसको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, अरे राजा को काट काट के निकाल देंगे। राजा ने मन में सोचा पति तो पति, पत्नी तो और ही अम्मा है। और राजा ने दूतों को बुलाकर इसको भी बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद इसका बेटा आ गया। बेटा ने कहा मेरे माँ बाप आए थे। राजा बोले तेरे माँ बाप को बोलने के लक्षण नहीं, तेरे पिताजी बोले राजा दरवाजा छोटा रख दिया, जब तू मरेगा तो तेरी अर्थी कैसे निकलेगी, और तेरी माताजी कहती है कि काट काट के निकाल देंगे। इतने में लड़का बोला मेरे माँ बाप को बोलना नहीं आता साफ, क्षमा कर दो उनको। उनको क्या करना, अर्थी कैसे निकलेगी, अरे राजा को अंदर ही जला देंगे। राजा तो बेचारा चक्कर खा के नीचे गिर गया। उसको समझ में आ गया कि इनको किसी को बोलना नहीं आता। तो ये जो विचार है, ये सोच है, दुनिया के लोग कई लोग दुनिया के ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो बन के बैठना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर बोलना आज तक नहीं समझ पाते, जान नहीं पाते, ये बुरा ही सोचेंगे अच्छा नहीं सोचेंगे। अमृत होगा तो आप अमृत दोगे, विष होगा तो विष दोगे, तुम्हारे पर्स में रुपये होंगे तो तुम खुला पैसा होगा तो खुला दोगे, और नोट होगा तो नोट दोगे। उसी तरह तुम्हारे पास जो होगा तुम वही तो दोगे। अच्छा व्यक्ति अच्छाई देता है और बुरा व्यक्ति बुराई देता है। जिसके पास में अच्छा होगा वो अच्छा प्रदान करने का प्रयास करेगा। सिमी देवी ने कहा आप शंकर भगवान की जटा में बैठे हुए, इसमें आपने शिवजी का क्या दिया, शंकर भगवान को क्या प्रदान करा आपने, आप तो राहु हो, राक्षसों की गिनती में आते थे वो तो अमृत पी गए, शीश कट गया इसलिए देवताओं की गिनती में आ गए, अमृत पीने के कारण देवताओं की गिनती में आ गए, थे तुम राक्षसी असुर ही थे। कितनी सुंदर बात कही है महाराज, सुन लो रायसेन वालों जरा अच्छे से, राक्षस थे अमृत पी गए तो देवता बन गए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा राक्षसों का। एक बार शिव महापुराण का अमृत जिसने पी लिया समझ लो वो शंकर का हो गया, देव बन गए। देव मैंने
तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छटनी में कटी जावांगी। अमृत मिला है, अमृत लुटाओ। मिला मिला जो लुटाओ। अमृत है नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत प्रभु के नाम का अगर मिल गया है तो इसको अपनी जिंदगी में उतारने का प्रयास करो। कितना सुंदर संवाद है, काशी के राजा ब्रह्मदत्त काशी के राजा ब्रह्मदत्त जिनके घर में संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हो गए ब्रह्मदत्त, बड़ी तकलीफ में आ गए, बड़े कष्ट। जब ब्रह्मदत्त के यहां संतान नहीं हुई, बड़े दुखी हुए। अब जब व्यक्ति के यहां संतान नहीं होती ना, तो पहले वो सारे देव धामी सब करियाए, देव धामी से अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर कहीं भूत प्रेत के पास जाए, फिर कहीं गलत जगह पर पहुंचता है, और गलत जगह पर पहुंचकर वहां से चाहता है कि यहां से मुझे कुछ